बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10th क्लास मैथ्स से चैप्टर 2 है और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। नंबर 2, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। नंबर 3, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। ठीक है, तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो सम हमारे साथ बराबर है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो बी हमारे साथ माइनस 3 है और ए 2 है, तो माइनस 3 डिवाइड बाई 2। और प्रोडक्ट हमारे साथ है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी इक्वेशन में है 1 और ए है 2। ठीक है, एज नाउ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा, इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बाई बीटा से अल्फा आता है, तो अल्फा ज़रबे अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बाई अल्फा से बीटा आता है, बीटा इंटू बीटा से बीटा स्क्वायर आता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब फार्मूला बनाने के लिए 2 अल्फा बीटा इसके साथ ऐड कर लें और 2 अल्फा बीटा इससे सब्ट्रैक कर लें, डिवाइड बाय अल्फा बीटा, विच इज इक्वल टू, अब ये फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे साथ है माइनस 3 बाई 2 होल स्क्वायर और माइनस 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2 और डिवाइड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2 विच इज इक्वल टू, माइनस 3/2 होल स्क्वायर से आता है 9/4, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1 डिवाइड बाय 1/2 विच इज इक्वल टू, ऊपर इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो 9 माइनस 4 और नीचे 1/2 विच इज इक्वल टू, 9 माइनस 4 से आता है 5 डिवाइड बाई 4 और डबल डिवीजन में ये 2/1 आ जाएगा, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 विच इज इक्वल टू 5/2। तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, सम और प्रोडक्ट हमने पहले मालूम किया है। ठीक है, माइनस 3/2 और 1/2, अब 1 अल्फा स्क्वायर और डायरेक्ट में सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर आता है, तो बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर आता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फार्मूला बनाने के लिए 2 अल्फा बीटा में ऐड करता हूँ और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक करता हूँ, डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल, अब ये मेरे साथ फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर, पुटिंग वैल्यूज, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2 और डिवाइड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू, इससे आता है 9/4 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो 9 माइनस 4 और इससे आता है 1/4 विच इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई बाई डबल डिवीजन 4 ऊपर जाएगा, 4 कैंसिल विच इज इक्वल टू 5, तो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे साथ 5 आ गई। ठीक है, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ 5 आ गई। पार्ट नंबर 3, तो डायरेक्टली मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, तो अल्फा बीटा बाई बीटा से अल्फा आता है, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा बाई अल्फा से बीटा आता है, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब, अब ये हमारे साथ फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अल्फा एंड बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अब फार्मूला बनाने के लिए 2 अल्फा बीटा ऐड करता हूँ और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक करता हूँ और माइनस अल्फा बीटा अपनी जगह पे डिवाइड बाय अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा
एन टू, ये हमारे साथ फार्मूला है, यहाँ तक अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा से आता है माइनस थ्री अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा पुटिंग वैल्यूज, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस थ्री बाई टू, ये हमने पार्ट वन में मालूम की है, ठीक है। अब और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस थ्री बाई टू स्क्वेयर और माइनस थ्री एन टू वन ओवर टू डिवाइड बाई वन बाई टू विच इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। अब और यहाँ पे ये टू डबल डिवीजन में है और ये टू नीचे आएगा, तो ये टू टू कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस थ्री इससे आ जाएगा नाइन बाई फोर और इससे माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस थ्री और इसका एलसीएम आ जाएगा फोर, तो नाइन माइनस फोर बाई टू से टू आता है, टू थ्री जार सिक्स विच इज इक्वल टू माइनस थ्री, नाइन माइनस सिक्स से आता है थ्री डिवाइड बाई फोर विच इज इक्वल टू माइनस नाइन डिवाइड बाई फोर, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।